चलो कोई बात नहीं। और लास्ट टाइम में हमें ये देखा है कि ये किस लिए जरूरत है एल इम्पोर्टेंसी की, मतलब हनीमन को क्यों लगा कि इसको जरूरत है, राइट। और फिर उसमें हमें देखा है कि जो मेडिसिन की एक्शन उसने बोली है, दो तरह की बोली है। जो मेडिसिन हम देते तो हम ऑब्जर्व करते कि मेडिसिन एक ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस इम्प्रूव करते किसका ग्रेजुअली प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट की तरफ करेगी, एक एक्शन है। सेकंड एक्शन है ये रहेगी कि इम्प्रूवमेंट तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो तरीके से कर रही है। तो ये दोनों भी जो मेथड है, आलम बख्शी जी आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दिए जरा, या फिर जो भी वो कान में आवाज आ रही थी। ठीक है, ये दो एक्शन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन का जो रिपीटेशन करना है वो डिसाइड होता है ना। तो हनुमान ने एक जगह पे क्या बोला है, एक जगह पे बोला है कि हमें जो लंबी प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट अगर दिख रही है तो वहाँ पे रिपीटेशन करनी नहीं चाहिए, डोज की तुम्हें वेट करना चाहिए कि जब तक उसकी मतलब प्रोग्रेस चालू है, वो रेमेडी दौड़ रही है क्योर की तरफ, एंड तुम अगर मेडिसिन बीच में दे देते हो, कौन सा भी डोज मेडिसिन मतलब डोज अगर दे देते हो, तो या तो वो क्या करेगी, जो स्पीड अप क्योर होना था वो और लंबा हो जाएगा, जो जल्दी होना था ठीक है वो लंबा हो जाएगा, और साथ में जो मेडिसिन रिपीट हो रही है साथ में उसके एग्रेशन के चांसेस भी बने रहेंगे। और दूसरी तरफ वो बोलते हैं जब एक्शन छोटी रहेगी या फिर बहुत देर से इम्प्रूव कर रही है, बहुत टाइम ले रही है क्योर ये करने में, तो वहाँ पे वो बोलता है कि तुम उसको रिपीट करो, जितने रिपीटेशन करोगे तो फिर वो प्रोग्रेस फिर चलता जाएगा, ग्रेजुअल होता जाएगा। ठीक है, ये दो एक्शन है, और ये एक्शन एकॉर्ड एपोरिज्म जो 246 में अच्छा एक्सप्लेन किया है, और 248 में ये बोला है कि जो डिसीज है, जैसे एकदम इमरजेंसी केसेस होते हैं या एक्यूट केसेस होते हैं या फिर सब एक्यूट केसेस एंड क्रॉनिक केसेस, ये चार कैटेगरी में बोला है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम डोजेस की रिपीटेशन करना चाहिए, है ना। एक्यूट केसेस में या इमरजेंसी में बोलते हैं कि चलो कि तुम्हें जैसे हर एक 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में भी रिपीट कर सकते हो। हाँ, फिर जो एक्यूट है इमरजेंसी मतलब अर्जेंट डिसीज बोलते हैं उसको, जो इमरजेंसी केसेस है, और एक्यूट केसेस मतलब जो फास्ट आ रहे हैं और कुछ दिन रह रहे और जा रहे, तो इस डिसीजेस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आवरली मेडिसिन दे सकते हैं, 2 आवरली मेडिसिन दे सकते हैं, फीवर है। फिर जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक में उसने बोला है कि एवरी डे और अल्टरनेट डे, तुम एवरी डे भी दे सकते हो और अल्टरनेट डे भी दे सकते हो। ये तो बात हो गई कि हम रिपीट कैसे कर रहे डोज, और इसके बीच में एक एपोरिज्म उसने डाला है 246 और 248 के बीच में, 247 वाला, वो क्या बोलता है कि हमें अनचेंज ड्राई डोज नहीं देना चाहिए, अनचेंज ड्राई डोज नहीं देना चाहिए मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर तुम रिपीटेशन करते हो मोर देन वन डोज किसी भी रेमेडी का, तो हमें वो सेम डायनामाइजेशन में नहीं देना चाहिए। इसने स्ट्रिक्टली एपोरिज्म का जो वर्ड स्टार्ट किया है, इसने लिखा है कि इट इज इम्प्रैक्टिकल टू रिपीट एन अनचेंज्ड डोज, है ना, इम्प्रैक्टिकल है, ये तो अप्लाई ही नहीं होता है इसमें। ये क्यों नहीं अप्लाई होगा कि वो बोलते हैं कि ड्राई डोज में सेम डायनामाइजेशन में देते हो तो तुम्हें
वहां पे एग्रेवेशन के चांसेस बने रहेंगे। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये बात हुई है, तो ड्राई डोज में अगर ये कैसा बनेगा, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ड्राई डोज में? ड्राई डोज में तो वही है कि हम लोग ड्राई जैसे ग्लोबुल्स डायरेक्टली देते हैं, तो वहाँ तो सेकंड डोज तो तुम चेंज ही कर नहीं कर पाते हो, है ना? उसका डायनामाइजेशन चेंज कैसा, अगर 30 में दे रहे हो पहला डोज, सेकंड डोज भी ग्लोबुल्स में दे रहे हो, तो चेंज हो ही नहीं पाएगा, है ना? तो ये पॉसिबल हमें हो, इसलिए फिफ्थ ऑर्गेनन में ये सजेशन किया था कि हम लोग अगर लिक्विड में इसको देते हैं तो उसको सकेशंस देके या स्टियर करके इसकी डायनामाइजेशन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। नॉट नेसेसरी, जैसे 1:99 ये रेशियो है सेंटिसिमल स्केल का, तो अगर तुम स्ट्रोक्स अगर सकेशंस करते हो जैसे 100 स्ट्रोक्स, तो पोटेंसी ऑटोमेटिकली जंप करेगी अगली पोटेंसी की तरफ। तो वहाँ पे हमें मेन स्टॉक में से सिर्फ थोड़ा सा लगेगा अगली पोटेंसी, जैसे 30 की पोटेंसी दे रहे हो तुम, और 30 के बाद में 32 हो जाएगी, फिर उसके बाद में 100 स्ट्रोक के बाद 33 हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस रहेंगे ना पोटेंसी के अंदर, बहुत छोटे छोटे चेंजेस होंगे, जिससे वो पेशेंट को एग्रोवेट भी नहीं कर पाएगा। या और ये जरूरी नहीं कि तुम्हें 30 स्टार्ट करना है, तुम 200 से भी स्टार्ट करते हो, लेकिन उसकी डायनामाइजेशन है वो उसी टाइप से बढ़नी चाहिए, ना कि जैसे 30 से डायरेक्ट 200 जम्प करो, 200 से 1M जम्प करो, 1M से ये करो। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे लास्ट टाइम मैम ने बोला था कि हम तो पोटेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे होम्योपैथ है कि बहुत सारे मेडिसिन इकट्ठा करके दे देते, ये तो होम्योपैथी है ही नहीं, है ना? हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ये है, यो ना हैनिमन ने भी रिपीटेशन की थी रेमेडीज की, लेकिन एक साथ में नहीं की थी। मतलब आज उसने एक रेमेडी दी है, फिर पेशेंट नेक्स्ट डे आ रहा है या थर्ड डे अल्टरनेट डे आ रहा है विथ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे वो हो सकता है कि वो टोटलिटी के ऊपर वो हैनिमन ने दूसरी रेमेडी दी, लेकिन एक साथ दो रेमेडी तो कभी नहीं दी है, क्योंकि वो बेसिक की थ्योरी है कि हमें जो मेडिसिन देनी है उसकी एक्शंस हमें पता होना चाहिए, और जो सिम्टम्स को हमें टारगेट करना है वही सिम्टम्स के ऊपर हमें वो हिट करने आना चाहिए रेमेडी से। तो ये पॉसिबल नहीं होता है सेंटिसिमल स्केल में। हमें बहुत बार देखते हैं जैसे पेशेंट ने 3-4 सिम्टम हमें बोल दिए, जैसे उसके कंधे में दर्द है, सर में दर्द है, या फिर कोराइजा भी है, और गले में भी दर्द है, और उसमें से अगर ग्रेडिंग करते सिम्टम की, तो एक आध सिम्टम जो रहता है सबसे ज़्यादा बॉदरिंग करता है, सारे के सारे एक साथ इतनी बॉदर नहीं करते रहते, और फिर वो जो मोस्ट बॉदरिंग सिम्टम है उसके ऊपर टारगेट करना आना चाहिए। तो यही बात सेंटिसिमल स्केल में पॉसिबल नहीं होती है। हर बार हम रेमेडी देते तो हमें पता नहीं रहता है कि ये रेमेडी कौन से सिम्टम के पहले जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम ने मैंने बोला है कि हर एक सिम्टम हर एक रेमेडी का अपना एक कैरेक्टराइटिस एबिलिटी होती है, एफिनिटी होती है, कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस ऑर्गन पे किस पार्ट पे कितनी स्ट्रांग तरीके से जाए, है ना? और फिर सेकेंड फैक्टर पेशेंट की खुद की ससेप्टिबिलिटी सेंसिबिलिटी भी सेंसिटिविटी भी मैटर करती है कि वो खुद कितना सेंसिटिव है, और तुम कौन से पोटेंसी में उसको ड्रग दे रहे हो, कितने रिपीटेशन में दे रहे हो, ये बहुत सारे फैक्टर एक साथ में चलेंगे कि वो कौन से सिम्टम पे वो रेमेडी को जाना है, राइट? लेकिन LM में वैसा नहीं होता है। LM में तो बहुत प्रिसाइज रहेगा, क्योंकि रेमेडी हाईली डाइल्यूटेड है, ये 1:99 डाइल्यूशन है, और LM का डाइल्यूशन है 1:50,000, है ना? तो
ये तो सिर्फ डाइल्यूटेड है, तो जितनी डाइल्यूटेड रहेंगी ना तो उतने तुम्हें जो मेन एक्शन है, ड्रग की मेन एफिनिटी है, वो प्रोमिनेंसी ज़्यादा होनी चाहिए केस में। वो केस का प्रोमिनेंट सिम्टम होना चाहिए, तो ही तुम्हें दिखेगा कि तुमने रेमेडी दी एंड दैट रेमेडी गोज एंड हिट द राइट स्पॉट इन द केस, राइट। और सेकेंड बात, एलएम में हम देखते हैं कि जैसे जैसे बहुत डाइल्यूट अगर तुम करते हो, बहुत डाइल्यूट करते हो सकता है कि सिंगल डोज से पेशेंट रिस्पॉन्ड ही ना करे। बहुत सारे पेशेंट्स जो सेंसिटिव रहेंगे वो तो रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्स वो सेंसिटिव पेशेंट का सेंटिसिमल स्केल में आएगा, वो रिस्पॉन्स एलएम में उतना स्ट्रांग नहीं आएगा, क्योंकि ड्रग का क्वांटिटी बहुत कम है, वो तो पेशेंट की सेंसिटिविटी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। तो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट रहेंगे वही सिंगल डोज या दो डोज में रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो नॉर्मल से पेशेंट है उसकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, तो फिर जो तुम रेमेडी दे रहे हो सिंगल डोज, तो वो सिंगल डोज से एलएम में कुछ होने वाला नहीं है। तो फॉर दिस यू नीड मल्टीपल रिपीटेशन, आइदर यू कैन रिपीट 3 डोजेस अ डे और 4 डोजेस अ डे, या तो 1 डोज दिन में दे दो, ज़्यादा क्रॉनिक है और ज़्यादा एक्यूट है तो आवरली दे दो, है ना, और नहीं तो फिर 10 10 मिनट के बाद भी दे दो, लेकिन हर एक डोज रिपीट करने के पहले तुम्हें वो सकेशन करनी पड़ेगी मेडिसिन, राइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो हो गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मेथड बोला है कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन कैसी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में तो 10 15 मिनट का तो कर लिया था, तो इस टाइम में उसके आगे का थोड़ा सा प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन का मेथड होता है उसके बाद में हम लोग अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं उसके क्या सॉल्यूशन निकलता है। और उसकी प्रिपरेशन पार्ट जो है ना, प्रिपरेशन पार्ट एक्चुअली जैसे हनीमन ने तो उस टाइम में तो खुद डॉक्टर होम्योपैथ मेडिसिन बनाता था, ट्राइचूरेट करता था या फिर सकस करता था, और वो पोटेंसी बना के देते थे, लेकिन हमारे लिए तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास रेडीमेड कंपनी से मेडिसिन आती है ना, और वही पे हम रिलाई करके प्रिस्क्रिप्शन करते। उसकी स्टैंडर्ड कैसी है वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन हमें सजेस्ट किया गया है कि होम्योपैथ को ये प्रोसीजर मेडिसिन बनाने की पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो तुम अपनी मेडिसिन बनाओ जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड की रहे, है ना। तुम्हें पता नहीं कि जो कंपनी से मेडिसिन आती है कितनी ट्रूथफुल है। हम बहुत बार बोलते हैं ये शॉप शॉबे की मेडिसिन है, एसबीएल की है, तो ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, रैकवे की है स्टैंडर्ड है, कोई इंडियन की दूसरी कंपनी आती है, अरे यार ये नाम भी नहीं सुना है, पता नहीं पानी डाल के दिया अंदर, है ना, तो ट्रस्ट वर्दी नहीं होती है बहुत सारी। तो इसलिए है उसने बोला है कि तुम अपनी मेडिसिन बनाओ, तो ये पता होनी चाहिए। और जैसे ऑर्गेनॉन में या क्रॉनिक डिसीजेस में ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है कि ये कैसी बनानी है, लेकिन कहाँ छोटे छोटे फुट नोट्स में इसमें लिखा है उसने कि एलएम पोटेंसी कैसी बनानी चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट हम उस पे ना जाते हुए, क्योंकि हमारे पास तो रेडीमेड मेडिसिन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो एलएम की वो कैलकुलेशंस कैसी होती है, ये आज समझाने की ज़रूरत है ना। सिर्फ इतना समझना है कि इसकी डाइल्यूशन है 1:90, 99 नहीं है, 99 तो सेंटीसीमल का रहेगा, लेकिन एलएम की डाइल्यूशन है वो 1:50,000 है, लेकिन वो एक ही मदर पोटेंसी से बनती है, जैसे C3C से, तो उसकी जो सेंटिसिमल से बनती है तो
उसकी जो पोटेंसी जम करने की ये रहेगी, चेंज हो जाएंगी वो 100 सेकंड के बाद। हाँ, तो विद इन पोटेंसी तुम चाहे जितने डोजेस बना सकते हो। पेशेंट डायनामाइजेशन तो चेंज हो जाएगा, पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी कि जिससे एग्रेवेशन हो। जैसे 30 से अगर 200 जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, तो पेशेंट हो सकता है कि तुम्हें हमें हम ऑब्जर्व भी करते कि बहुत जगह हमें दिखता है कि पेशेंट 200 के डोज में एग्रेवेट करेगा, इफ नॉट इन द सिंगल डोज फॉर, लेकिन अगर सेकेंड डोज देते हो तो हो जाता है ना। तो ये बात हमें एक्सपीरियंस ना हो, ये स्पेशली जो क्योर की डेफिनेशन हैनीमन ने बोली थी ऑर्गेनन में कि होम्योपैथी कैसी होनी चाहिए, ये रैपिड जेंटल एंड परमानेंट, ये 3 वर्ड्स के लिए ये सारी चेंजेस उसने उसकी खुद की राइटिंग में की है। सिर्फ रैपिड होना चाहिए, तो रैपिड कैसे होगा, तो क्योर प्रोसेस जो अगर एक डोज देते हो तो जैसे 20, 30, 40 दिन, 60 दिन या 100 दिन में अगर वो रेमेडी क्योर कर रही है, अगर तुम रिपीट करते हो तो वो क्योर हो सकता है आधा या फिर 1/4 पीरियड में ठीक हो जाए। 100 दिन में होने वाला क्योर 25 दिन में क्योर हो जाए, राइट। तो ये लेंथ जो क्योर प्रोसेस की है, शॉर्ट करने के लिए रिपीटेशन की ज़रूरत है, और रिपीटेशन भी वो रेमेडी की करनी चाहिए, मतलब सेम डायनामाइजेशन में रिपीटेशन नहीं चाहिए। मगर इसका मतलब क्या, अगर तुम डोज रिपीट कर रहे हो तो वो सेम पोटेंशियल एंड सेम डायनामाइजेशन में नहीं देना चाहिए, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये मेन फैक्ट है। तो ये अचीव करने के लिए पोटेंसी उसने जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिक्विड में होना चाहिए, ये गाइडलाइन दी थी, राइट। अगर लिक्विड में है तो तुम सकेशन करके उसका डायनामाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, चाहे 5 सकेशन करो या 10 सकेशन करो, वो डायनामाइजेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हम अगली पोटेंसी में जब जाएंगे तब क्या करेंगे। जैसे 100 स्ट्रोक तो हो गए, आप क्या करना है ना, वो प्रोसेस में मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपने सबने तो ये देख ही लिया होगा कि जो पोटेंसी LM की आती है ना, वो लिक्विड में नहीं आती है, ऐसी छोटी छोटी गोली में आती है जो पैपिसेट्स होती है ना। तुम कौन सी भी पोटेंसी ले लो, और ये LM 1 से लेके LM 30 तक अवेलेबल है कंपनी में। 30 के आगे अगर चाहिए तो तुम्हें अपनी खुद की बनानी पड़ेगी, एक आध दूसरी कंपनी में बनाती होगी, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से 30 LM 30 तक तो मिल जाती है तुम्हें। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ कि तुम्हें सारी की सारी मेडिसिन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये मेथड तुम्हें पता है कि ये पोटेंसी जंप करेगी अगली लेवल के ऊपर, तो हम हमें सिर्फ ये जो है, देखो ये क्या है, 0/1 इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और हनीमन ने सजेस्ट किया है इसमें से बस एक पैपी सीड, 1 पैपी सीड इज सफिशियंट टू मेक एंड डोज। ये छोटी है, सरसों की जी भी है, ये होते हैं ना बीज होते, उससे भी छोटी है ये, राइट। तो इसने क्या बोला है कि तुम ये एक पैपी सीड एक पानी में घोल लो, और वो पानी में फिर उसको अच्छे सा मिक्स करो, और वो पानी में से थोड़ा एक डोज निकालो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैं खुद मेथड फॉलो करता हूँ या फिर एक्सप्लेन करता हूँ समझने के लिए, हम अपना भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि जो स्टॉक होता है उसमें से डायरेक्ट रेमेडी तुम दे नहीं सकते हो। जो स्टॉक मतलब क्या है, देखो ये पानी की बोतल है, सपोज दिस इज पानी की बोतल है, मैंने ये 1 लीटर की पानी की बोतल है, 1 लीटर की पानी की बोतल में से 1/4, 1/4 क्या कितनी हो जाएगी,
वन फोर्थ हो जाएगी, सपोज 250 ml, उसके अंदर तुम्हें इसमें से एक गोली डालनी है, ठीक है। अगर मैं, मुझे शुरू शुरू में तो बहुत कॉन्फिडेंस लो था, तो मैं 10 भी गोली डालता था, लेकिन लेकिन वो हनुमान ने बोला कि वंस पैपी सीड इज सफिशियंट, है ना। तो वो इसकी 1/4 में तुम्हें क्या करना है, उसने बोला कि एक कप, जो बड़ा कप आता है ना, जो वेस्टर्न्स में कप होते, आजकल बच्चे का स्टिकर्स, वो बड़े बड़े मग्स होते हैं दूध के लिए, हम लोग लेते वही से, एक इसमें तुम्हें वो 1 ये डालना है पैपी सीड वाली, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि इतना सा पानी लिया, उसके अंदर 1 पैपी सीड डाल दी, हाँ, इसको अच्छा सा घोल लिया, तो ये जो बना, ये पूरा ये बना एक स्टॉक बॉटल, ये स्टॉक बॉटल में से डायरेक्ट ये निकाल के तुम पेशेंट को ऐसा डोज नहीं दे सकते हो। हाँ, अभी ये कहने का मतलब है कि तुम्हें इतनी डाइल्यूट, ये तो मेडिसिन खुद 1:50,000 डाइल्यूशन है, और तुम उसमें से एक गोली निकाल के इतनी पानी में भर दी है, फिर इसमें से एक 25 ml पानी निकालना है, एक कप के अंदर डालना है, जो हमारा नॉर्मल चाय का कप होता है ना, उसमें से बड़ा चम्मच वाला या 2 चम्मच निकालना है, और फिर एक नॉर्मल वाटर उसमें ऐड करना है, पूरा कप फुल कर देना है, ठीक है। उसको स्टियर कर लो, उसमें से एक सिप पीना है, राइट। ये डोज समझ में आया मैम? सर जो हम मैं तो जो जिनको भी देती हूँ एल इम्पोटेंसी, मैं उनको एक 100 ml की बॉटल, बॉटल राइट, में दे देती हूँ, और हाँ मैं जी, उनको कहती हूँ कि 3 बार लेनी है, एक-एक चम्मच लेना या 1-1.5 चम्मच लेना है, और जितनी बार लेनी है 10 टाइम जैसे स्ट्रोक्स मार के नहीं, लेनी राइट है राइट राइट, वो बस। गलत नहीं है, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि हम डायरेक्ट स्टॉक में से नहीं देना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर से डाइल्यूट करना है उसको। तुम कब डिल्यूट करना है सर? हाँ, फिर से डाइल्यूट करना है स्टॉक बॉटल में से। नहीं नहीं, कब, जैसे मैंने 100 ml में डाल लिया, 2 ग्लोब्यूल्स डाल दिए मैंने, वो मेरी बॉटल बन गई, हाँ जी, वो उसको मैंने दे दी कि अब ये आपने पीनी है, 1 हफ्ता पीते रहिए, सुबह दोपहर को शाम को 3 टाइम्स बिल्कुल पीते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे भी दे सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें ये मेथड इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग इतना छोटा डोज देना चाहिए, मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम लोग जो मेथड कर रहे हो वो एकदम सा गलत है, ये बात नहीं है, लेकिन तुम अगर उसको और भी डाइल्यूट कर देते हो, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 चम्मच पानी जो निकाल के एक कप में डाल देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, 2 चम्मच पानी निकाल रहे हो और डायरेक्ट दे रहे हो, राइट। यही डिफरेंस है कि हम लोग क्या करते कि वो पानी को और डाइल्यूट करते, नॉर्मल वाटर ऐड करके कप में, फिर उसको स्टियर करते, उस वो पूरा भी पीते नहीं है, उसमें से 1 सिप। जो 1 सिप पीना है उसमें से भी जो बाकी का हाँ, बचा है वो फेंक देना, फेंक देना है फिर अगली बार ओ। हाँ, इस बॉटल में से लेना है थोड़ा ये स्टॉक सा। बॉटल है, ये मेन स्टॉक बॉटल है, इसमें से वापस पानी ले लो, कप में डालो, तुम पानी उसमें से न, 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 आधा कप भी कर सकते हो, है ना, या पूरा नहीं करना अच्छा, है ना, बा एक मतलब 1 सिप पीना है बस। सेकेंड डोज फिर स्टॉक बॉटल में से लो, फिर उसको हाँ, फिर से अलग से बनाओ, पानी में फिर से मिक्स बना, करो। और सेकेंड डोज देने के पहले, जैसे मैम ने बोला है कि हर एक डोज देने के पहले तुम्हें 10 स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स देना पड़ेगा। 10 स्ट्रोक्स, मतलब वो तो हमारे डोज के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितनी डोज रिपीट करनी है ना। अच्छा मतलब जैसे 10 स्ट्रोक तुम दे रहे हो, तो यू आर तुम 10 10 स्ट्रोक दे रहे हो, तो 100 स्ट्रोक्स 10 डोजेस के बाद में वो पोटेंसी अगले लेवल पे जंप करेगी। जैसे अगर मतलब ये 1 से 2 पे चले जाएगी।
हाँ 0.2 पे चली जाएगी। तो तुम्हें हमारी फार्मेसी का रूल क्या है, पुरानी पोटेंसी में जो मेडिसिन है पुरानी पोटेंसी का, उसमें से 1 पार्ट लेना है और फिर 99 पार्ट उसमें पाया व्हीकल चाहिए। अच्छा एक और बात बताना, ये हाँ सक्शन जो होता है, ये सक्शन ये है ना ऐसे वाला, और हाँ हाँ सकशन, सक्शन ऐसे वाला है ना सकशन, हाँ ये ऐसा। अगर हाँ ये वाला है, अगर और ये ऐसी जो शेक हो जाती है तो ऐसी शेक, मतलब तुम ऐसा करते हो तो थोड़ा सा मिक्स कर देते तो उतना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग के क्या उन्हें जो ये होता है ना, ये जो एम्प्टी स्पेस होता है बॉटल में, ये वाटर को ऐसा स्टीयर करेगा ऊपर नीचे। देखो ऐसा स्टीयर कर रहे हो तुम, है ना। हाँ अभी वो बुक्स में या कोई पुराने होम्योपैथ हम देखे तो वो बोलते ऐसा हाथ ऊपर करो और फिर नीचे ले लो, फिर स्लोली ऊपर करो फिर नीचे ले लो। जो मूवमेंट पानी की होती है ना, जो यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए ज़्यादा। तुम 100 ml अच्छा पानी में पूरी भर के देते हो, इतनी स्पेस रहेगी तो वो तो सकेशन का इफेक्ट होगा ही बहुत कम नहीं। रहेगा, होगा ही नहीं। मेरा पूछने का मतलब था कि जब हम पेशेंट को हाँ मेडिसिन देते हैं वो किसी ना किसी व्हीकल पे आता है, तो वो राइट। वाटर शेक होके ही जाती है घर तक ना। देखो तुम इसमें अगर ये नहीं दे रहे हो पेशेंट को, पानी बना के दे रहे हो, थोड़ी बहुत पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक से घर तक जाएगा, कार में जाएगा या मोटरसाइकिल या स्कूटी के ऊपर वो शेक होगी बॉटल, तो उसमें से अगर कितनी चेंज हो जाएगी, 100 स्ट्रोक्स के बाद में तुम्हारी पोटेंसी जम कर रही है। तो 100 तो स्ट्रोक उतने जोर से नहीं बनेंगे जितनी जोर से तुम्हारी 1 स्ट्रोक में लग रहा है। 1 स्ट्रोक में जितना मूवमेंट हो रहा है उतना ही मूवमेंट हो जाएगा घर तक जाने में, है ना। अच्छा सर, अगर मेरे पास तो जो मैंने तो 0 by 1 2 3 4 10 तक मंगवाई हुई है जो भी मेडिसिन्स हैं, हाँ जी तो फिर मुझे अगली पोटेंसी तो मेरे पास है, वो हाँ जी, तुम मैंने चेंज कब कर देनी सकते है? हो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम अगर तुम्हारे पास 0/2 है, जैसे हाँ 100 के बाद 100 स्ट्रोक चेंज होने के बाद तुम वो पूरा डिस्कार्ड कर दो, 0/2 स्टार्ट कर दो, हाँ है ना। ठीक है। है ना, मेथड सेम रहेगी। वो पानी के अंदर तुम वो 1 या 2 ग्लोबल्स इंसर्ट कर दो चल मैं तो और 10 15 निके निके दाने छोटे छोटे होते हैं, 10 15 20 मैं डाल देती हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी शुरू शुरू में तो मैंने भी वही किया है, 10 15 डाल दिए, तो हाँ जब तक तो हमें क्या बोलते ये तसल्ली नहीं सेटिस्फेक्शन ही, हुई हाँ तसल्ली नहीं होगी। या अच्छा लेकिन आगे से ऐसा सिर्फ कुछ नहीं दो है, दाने। हाँ दो अच्छा एक दाने और भी बात, तुम डालते हो तो भी असर होता है, उतना ही असर या होता है तुम्हारे 10 दाने जितने कर रहे हैं। ठीक है एक बात और और बताना, हाँ जी जैसे हम वाटर डोज देते हैं, हाँ जी जैसे मेरी को 30 अगर रिपीट करनी है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो मैं उसको पानी में डाल देते हैं और स्टिर करो स्टीयर करो, राइट और एक एक घंटे बाद एक एक सिप लो, राइट। वो तो डायरेक्ट तुम सिप, वो सी पोटेंसी वाली उस वो अलग है वाटर डोज, ये LM अलग है। LM का, तो तुम्हें वो तो बहुत मिनिमम करके दे रहे हो तुम, है ना। ओके ओके समझ गई। हाँ वो तो जैसे सी पोटेंसी में भी स्ट्रोक करके दे सकते हो, नो डाउट, लेकिन वो स्टीयर भी यूज कर सकते हो उसमें। जैसा बहुत एक्यूट है, फीवर है, तो तुमने बोलना है चलो पहली बार 10 बार स्टीयर करो, नेक्स्ट टाइम तुम 20 बार स्टीयर करो, है ना, या फिर 25 टाइम स्टीयर करो सर एक हर एक डोज क्वेश्चन देना। है, हाँ जी जैसे हम पिछले 30 40 साल से हम यही पोटेंसी यूज कर रहे हैं, 30 200 1 m 10 m राइट, यही यूज कर रहे हैं, तो हम भी वही किए हैं हाँ मैडम। और केसेस ठीक हो रहे हैं, तो हाँ जी हम LM पोटेंसी पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, उसका क्या फायदा है, वो थोड़ा समझाइए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने ये बोला नहीं कि तुम्हें करना ही है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर हमें और क्योर प्रोसेस, जैसे देखो
हम कितनी बार बोलता है कि तुम मेडिसिन आज दे दी पेशेंट को। एक मिनट, किसी का माइक्रोफोन, आलम बख्शी जी। हाँ, हमने कितनी बार ऐसा होता है कि हमने मेडिसिन दे दी, आज एक मेडिसिन दे दी, तुमने दो तीन डोज समझो आज दिन भर में रिपीट कर लिया। एक्यूट कंडीशन है या फिर क्रॉनिक कंडीशन है ना। तुम ऐसे 30 to 100 में चले जाते हो। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि एक एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे बहुत लंबा केस है समझो, कि वहाँ से तुम ज़्यादा हायर पोटेंसी पे नहीं जा सकते हो। जैसे हायर पोटेंसी देते हो तो पेशेंट की सेंसिटिविटी तो बीच में कहीं तो है, तो एग्रेवेट करेगी, ठीक है। फिर वहाँ से तुम नीचे भी नहीं आ सकते हो, क्योंकि अगर वो रिवर्स चले जाओगे तो जितना क्यूअर तुमने ये आगे बढ़ बढ़ के किया है वो वहाँ पे रुक जाएगा। हाँ, या तो फिर सेम पोटेंसी भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि सेम डोज अगर रिपीट करते हो तो वो तो काम ही नहीं कर रहा था। दैट्स वाई यू आर डिसाइडेड टू गो टू डिफरेंट लेवल, है ना। तो ये डेड एंड कई केसेस में आता है, स्पेशली क्रॉनिक केसेस में हमें दिखता है। एक्यूट में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्यूट डिसीज की सीवेरिटी इतनी ज़्यादा रहती है तो तुम सर्राटे से रिपीट करते जाओ, कितना भी कुछ ज़्यादा उतना ये होने वाला नहीं है। तुम्हें इमीजिएटली थोड़ी देर रिपीटेशन के बाद दिखेगा कि उसका कंप्लेंट कम होने को है। लेकिन क्रॉनिक में तो ये डेड एंड बहुत सारे इसमें देखने को मिलता है। और बेसिकली वही फंडा है कि तुम्हारी जो प्रोसेस है वो रैपिड होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए, है ना। तो ये जेंटलनेस में हमें हनीमन बोलते हैं कि उसे एक बार भी एग्रेवेशन नहीं आनी चाहिए, नॉट इवन। हम ऐसे बोलते हैं ना, कभी मेडिसिन जो होम्योपैथी की लागू हो गई तो पहले एग्रेवेट होती है, होम्योपैथिक एग्रेवेशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में वो ग्रेजुअली कम होती है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए वो बोलते हैं, है ना। जैसे तुम देखते हो कि एलोपैथिक की गोली खाते हैं, जैसे गोली खाई कि एकदम सर्राट से वो फीवर कम होने को लगता है, ना कि वो पहले एग्रेवेट होगा फिर कम होगा। तो तुम्हें वो इतनी जेंटल करने के लिए वो तो तुम या तो डिफरेंट डायनामाइजेशन पे रिपीटेशन ऑफ डोजेस करो, है ना। अगर तुम्हारा तुम ये लेवल पे तुम्हें ऑब्स्टेकल्स नहीं आती है तो इफ़ यू आर फाइन विथ सी पोटेंसी देन वेल एंड गुड, यू डोंट हैव टू मूव ऑन टू एल एम पोटेंसी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसी केसेस में हमें एक भी केस में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास और ऑप्शन है मेडिसिन का, अगर ही ये मेथड को हम लोग जानते हैं तो। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर एक केस में देना चाहिए, है ना। और ये हायर डाइल्यूशन है, ये बात याद रखना, ये वो तीर है जो सुई के नोक के बराबर है। हाँ, और तुमको टारगेट भी इतना छोटा है सुई के नोक के बराबर। हाँ, और उसको उससे हिट करना है तो तुम्हारी एक्यूरेसी सटीक होनी चाहिए। तुम रैंडमली जैसे सी पोटेंसी में क्या होता है कि तुम्हारी उतनी सटीकता की जरूरत नहीं है, मेजर सिम्टम माइनर सिम्टम ड्रग के वो अगर इकट्ठा करके एनालाइज करके देते हो तो वो जाके किसी ना किसी को लग जाती है, वो पूरा के पूरा गोला गिर जाएगा, वो बड़ा शॉट है। लेकिन एलएम में क्या है कि वो ड्रग की जो मेन सिम्टम है, कैरेक्टराइटिस सिम्टम है, जो ड्रग की पिक्यूलियर सिम्टम है, वो पेशेंट में उतनी स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट अगर है तो ही वही सिम्टम पे हो जाएगी। और अगर पेशेंट सेंसिटिव है पर्टिकुलर मेडिसिन को जो तुमने सेलेक्ट की है तो उसकी माइनर सिम्टम भी अगर रेमेडी के हो तो काम करेगी। बात समझ रहे हो कि नॉट नेसेसरी कि तुम्हें हर बार शिफ्ट करना चाहिए कि तुम्हें ये अभी छोड़ दो उसको दे दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम किधर अटक जाते हैं ना, तो हमारे पास और एक हथियार है ये लड़ाई लड़ जीतने के लिए। सर, अगर हम तो क्या करते हैं, सपोज करो किसी केस में अटक गए तो हम तो दवाई चेंज करते हैं,
कि हमने 3200 1 ml दे दी, उसे फर्क नहीं पड़ा या कम फर्क पड़ा, तो इसका मतलब है कि ये दवाई अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, 2 महीने हो गए और बस 10-20% 25% ही पेशेंट को फर्क पड़ा है, तो फिर तो हम दवाई चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है ये इसकी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है कि बेस्ट सिलेक्टेड क्या है, है ना? नहीं, अपनी तरफ से तो बंदा जो भी डॉक्टर करता है वो अपनी तरफ से तो बेस्ट सिलेक्टेड ही करता है ना। वही तो बात मैं कर रहा हूँ ना, तो अगर एक ही पेशेंट है, एक का अगर तुम एनालिसिस करते हो तुम्हारे तरीके से, वो एक मेडिसिन है या फिर एक टोटलिटी ऑफ जो रहेगी, है ना, जो एनालिसिस बनती है, मेरी तरफ से मेरा जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो अलग है और प्रमिला का वो अलग है या योगेश का अलग रहेगा, और वो एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उनकी रेमेडी भी अलग अलग आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी काम कर रही है, मेरी भी काम कर रही है, योगेश की भी काम करेगी, प्रमिला की भी काम करेगी। या तो हम किसे कहे कि ये एग्जैक्ट सिमिलिमम है, है ना? तो ये तो ये मोस्ट प्रोबेबल सेंटर ये कैसा है कि ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्सनैलिटी है एक पेशेंट में, है ना? या ऐसा नहीं होता है कि एक जन्म से अगर एक पैदा हुआ और मरने तक वही एक ही पर्सनैलिटी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। कैसा होता है कि हमें, और जैसे होम्योपैथिक थ्योरी में क्रॉनिक डिसीज के में देखे तो ये देखते कि जैसे एक बार सोरा अंदर चला गया तो वापिस तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम जितनी बार एनकाउंटर करोगे डिसीज फैक्टर्स से उतनी बार तुम इन्फेक्ट हो जाओगे, और एक बार इन्फेक्ट होने से तुम्हारे अंदर डिसीज डेवलप हो गई, ठीक है, दोबारा अगर इन्फेक्शन होती है तो वो अंदर की डिसीज और कॉम्प्लेक्स होती चलेगी, तीसरी बार इन्फेक्ट हो जाओगे तो अंदर की डिसीज और कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। जैसे तो हम ये देखते हैं कि हम एक सराउंडिंग में रहते हैं तो, और किसी कॉज के वजह से हमारे माइंड डिस्टर्ब हो गया और वो ठीक भी नहीं होता है और एक कॉज आ जाता है, समझ लो। तो ऐसा नहीं कि पहले से वो बीमार है तो सेकंड कॉज उसको कुछ नहीं करेगा, सेकंड कॉज भी उसको और डिरेंज करेगा, राइट? तो पर्सनैलिटी क्या कर रही है कि जैसे आदमी बच्चा से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेके उसकी डेथ तक, ये उसकी सराउंडिंग का इफेक्ट इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली होता रहेगा, और वो हर एक जो नेगेटिव इफेक्ट रहेंगे, नेगेटिव मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो भी नेगेटिविटी है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद को चेंज करता चलेगा, अंदर की स्टेट बदलती चलेगी हर बार। और ठीक है, तो रेमेडी ऐसी नहीं है कि अभी हम देखें ना तो रेमेडी में बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे 1000 सिम्टम है या फिर 15000 सिम्टम है पॉलीक्रेस्ट में, लाइकोपोडे में 12000 सिम्टम है, सल्फर में 17-18000 सिम्टम है। हम पेशेंट कितने सिम्टम के ऊपर एनालिसिस करते हो, तुम लेबल कर देते हो ये लाइकोपोडियम है, कितने सिम्टम लेते हो 10-20 सिम्टम पे। अगर समझ लो कि 10-20 सिम्टम ही हमारा अगर क्राइटेरिया है तो वही लाइकोपोडियम की कितनी सारी प्रोबेबिलिटी बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे, है ना, प्रेजेंटेशन की। तो इसलिए ये चांसेस रहेगी कि अलग अलग होम्योपैथ अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा तो एक ही रेमेडी डिफरेंट तरीके से भी प्रेजेंटेशन हमें आती है, राइट? ज्यादा कॉम्प्लेक्स में तो नहीं नजर आ रहा मैम। एक तो सर मैं बोलना, हाँ जी, तो स्ट्रोक हम करते हैं ना, दवाई बना के स्ट्रोक करते हैं, इसमें 5 या 10 बार करते हैं, अगर
या 3 बार या एक ही बार करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ। तुम अगर देखो, तुम्हें समझो, तुम्हारी माइक्रोफोन ऑफ कर देना जरा। हाँ जी, ये देख लो कि तुम अगर डिसाइड करते हो कि मुझे विद इन पोटेंसी मतलब मैं 0/1 और 0/2 इसके बीच में मुझे कितने डोज देने हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 100 सकेशंस देने का ऑप्शन है बीच में, है ना। वो 100 को डिवाइड करो जितने डोजेस तुम्हें देने हैं। सपोज 10 डोजेस देने हैं तो तुम्हें 10 स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे, है ना। अगर 20 डोजेस देने हैं तो तुम्हें 100/20 करो तो 5 बन जाता है, तो 5 स्ट्रोक देने पड़ेंगे। अगर तुम्हें 4 ही डोजेस देने हैं तो 25 स्ट्रोक्स दे दो, हा? और अगर तुम्हें समझो 50 डोज देनी है तो 2 स्ट्रोक्स दे दो बस। तो तुम रिपीटेशन चलेगा कि हमने 10 डोज ही देने या 2 देने हैं, वो तो डिसीज की सिवेरिटी पे रहेगा ना। तो मैक्सिमम हाँ। क्या होता है कि क्रॉनिक केस में अगर हम 1 डे अल्टरनेट या एवरी डे डोज देते तो 10 स्ट्रोक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बहुत सारे होम्योपैथ दे देते। 10 स्ट्रोक दे दो, है ना। और 10 दिन आवाज बड़ी झोल खा रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं सुन रहा, क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मतलब है 10 स्ट्रोक अगर तुम देते हो ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है आजकल कि तुम किसी भी इसमें 10 स्ट्रोक्स दे दो। हाँ जी, रोमिला लेफ्ट हो गए हैं मुझे लगता है। आ गए दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, आप प्रमिला? सिर्फ मैं ही गई या बाकी भी गए? नहीं नहीं, आप ही अकेले गए, हम तो सभी हैं। मैं क्यों चले गई थी? तुम्हारा ही प्रॉब्लम है नेटवर्क का। आपका दिल कर रहा होगा घूमने को। पर सर वही तो बात है कि हमें क्या पता हमने 2 डोज देने हैं 6 डोज, हम तो दे देते हैं, एक हफ्ते की दवाई है 3 बार लेनी है। हाँ जी, हाँ जी, यही बात बोल रहा हूँ। ये फॉर्मेट होता है कि तुम एक्यूट डिसीज के तुम्हारे डोजेस के मेथड अलग है ना। अगर एक्यूट में पेशेंट आता है या इमरजेंसी में पेशेंट आता है ना, वह जो इमरजेंसी में आएगा तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन रहेगी। जैसे मिनटों में रिपीट करोगे, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, है ना। एक्यूट में आएगा तो 1 आवरली तुम रिपीट करोगे, राइट, कि या 2 आवरली देखो या 3 आवरली। जैसे 3 आवरली देते हो, 4 आवरली देते हो, तो इसका मतलब दिन में से 3 बार दे दो, 4 बार दे दो शाम तक। हाँ, तो कितने स्ट्रोक देंगे उसको? अभी वही मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें अगर जितनी ज़्यादा रिपीटेशन करनी है, डोजेस अगर बहुत ज़्यादा देने हैं तो उसकी स्ट्रोक्स थोड़े से कम कर दो, ठीक है। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी आगे जाना है अगले लेवल पे, बहुत जल्दी जल्दी आ गया तो जैसे 0/2 पे जाना है, फिर 0/3 पे जाना है, तो तुम 4/25 स्ट्रोक देके या 50 स्ट्रोक देके 2 स्ट्रोक्स में पोटेंसी लेवल अप करो, है ना। वो तो डिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिसीज की कंडीशन एक्यूट है, सब एक्यूट है, एकदम इमरजेंसी वाली है या क्रॉनिक है। क्रॉनिक में तो तुम दिन में या फिर 1 डे अल्टरनेट भी 1 डोज दे सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड सब होम्योपैथ फॉलो करते हैं वो क्या है कि 10 स्ट्रोक दे जाएंगे, 10 दिन तक दे दो, 10 दिन के बाद पेशेंट आएगा, फिर तुम उसको 0/2 दे दो। हाँ, तो ये क्रॉनिक में। लेकिन एक्यूट में अगर पेशेंट आ रहा है, फीवर में आ गया या फिर पेन इन एब्डोमेन में आ गया, वॉमिटिंग हो रही है, तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करनी पड़ेगी, है ना। तुम्हें लगा कि चलो मुझे 1 दिन में 10 डोज देने हैं उसको,
है ना। और तुम्हें पोटेंसी भी चेंज नहीं करनी है, कि तुम चाहते नहीं हो कि पोटेंसी मैं चेंज करूँ या 0/2 पे जाऊँ, है ना। तो तब क्या करोगे तुम, उसकी स्ट्रोक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम करना है, तो डोजेस बढ़ जाएगी। और प्रोमिला ऐसे क्यों कर रही है? ये देखो वो कहीं और बिजी हो गई होगी, उसका कोई पता नहीं है। नहीं मैम, मैं कहीं बिजी नहीं हूँ, मुझे ये संजय निकाल रहा होगा पक्का। देखो यार, कुछ भी होता है तो मेरे ऊपर डाल देती है कि मैंने काटा हूं। ये होगा हाँ पक्का। पता नहीं कौन सा इशू रहता है मेरे हाँ साथ। जी, अभी हाँ मैं तुमसे पूछ रही थी संजय, रुको, जी, मैं तुमसे पूछ रही थी, जैसे आलम ने पूछा कि वो 10 स्ट्रोक्स देने, और ये क्या हो रहा है? उसके आंसर हमने दे दिए है। इसका नहीं जो मुझे, सवाल है, अभी इसका सवाल आ गया, क्योंकि ये तो बिजी थी अंदर वार करने में। बिल्कुल हाँ ऐसा नहीं था। मुझे बताओ, हमें पता कैसे जी, चलेगा कि इसको इसको 5 डोजेज ही देने हैं, 10 डोजेज ही देने हैं? वो तो डिपेंड करता है ना, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, और वेरी करेगा हाँ पेशेंट जी, टू पेशेंट। वो कैसे, इसको 10 डोजेज ही देने हैं तो ये हमको ध्यान देखो, रखना पड़ेगा कि ये नहीं, या तो ये पोटेंसी बनी है रिपीटेशन के लिए, है ना। तुम रिपीट ही करना पड़ेगा, तुम ऐसे एक डोज देके वेट एंड वॉच इसको नहीं कर सकते हो। एक मेथड है यहाँ पे, है LM में, कि हनीमन ने क्या बोला है कि तुम्हें कब तक रिपीट करनी है ये, है ना। जैसे एक डोज देते हो कुछ होता नहीं है, दूसरी डोज देते हो कुछ भी होता नहीं है, सपोज तीसरी डोज से थोड़ा सा तुम्हें कुछ चेंज दिखता है, ऐसा यहाँ पे क्या है, सेंटिसिमल स्केल है। तो तुम एक डोज देके फिर सेकेंड डोज देते हो, सेकेंड डोज पे एक्शन स्टार्ट हो गई तो रुक जाते हो, राइट। एक्शन जैसे स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे रुक गए। और LM में क्या है कि उसने बोला है कि एक्शन सिर्फ स्टार्ट ही ना रहे, वो फिर उसकी इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल होने तक उसको डोज देनी है। मतलब कब तक देनी है कि, मतलब समझो तुमने पहली डोज दी, फिर एग्रेवेशन, सॉरी एग्रेवेशन बोलता, एक्शन कुछ नहीं हुई है, सेकेंड डोज में थोड़ी सी एक्शन हो गई, थर्ड डोज में और थोड़ी सी एक्शन इम्प्रूवमेंट हुई है, फोर्थ डोज से, और मतलब तब तक वो देते रहना चाहिए जब तक तुम्हें जेंटल सा एक एग्रेवेटिंग कुछ पार्ट ना मिली। वही तो मैं बोल रही थी, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि तो अब बंद करनी है। एक्यूट में, एक्यूट अगर केस है तो तुम्हें वैसे भी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करनी है, अगर एक्यूट में पेशेंट आएगा आएगा तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम 10 दिन में 10 डोज दे रहे हो क्रॉनिक में, यहाँ तो एक दिन में 10 डोज देने हैं तुम्हें। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें वो एक्यूट स्टेट में पोटेंसी जम करनी है, क्या वही पोटेंसी के डोजेस तुम ज़्यादा रुको बनाने हैं। रुको रुको, पहले मेरा सवाल समझो, कंफ्यूज हाँ जी, कर रहे हो। सुनो, एक पेशेंट है, उसको मैंने 0/1 देनी है। हाँ जी, आज दिन में मुझे कितने डोज देने हैं वो मुझे नहीं पता, वो मुझे उसकी सिचुएशन बताएगी ना। जैसे मैं करती हूँ, वाटर डोजेज देती हूँ, हम तो कहते हैं ठीक है ना, ठीक है ना, तुम क्या सुन करो। लो ना, पहले सुन तो लो यार। हाँ जी, और मुझे नहीं पता कि मुझे कितने डोज देने हैं, मैम आप हंसो डिस्ट्रैक्ट हेलो, देखो, हमें नहीं मालूम उसको कितने डोजेज देने हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 2 या 4 में। तो हाँ जी, मुझे वो कितनी बार ये ऐसे ऐसे कराना पड़ेगा उसको? एक बात समझ लो, इतना तो पक्का है ना, तुम्हारे फॉर्मेट एक्यूट में और क्रॉनिक में डिफरेंट है। पेशेंट तुम्हारे पास एक्यूट में आया है या क्रॉनिक में आया है, ये तो डिसीजन तुम ले सकते हो, है ना। अगर एक्यूट में आया है तो तुम क्या करना है कि वही जो पैटर्न तुम 10 दिन चलाते हो, वही पैटर्न एक दिन में चलाओ। बात समझ रहे हो?
अगर समझो रोज एक डोज 10 दिन तक देते हो तो 1 घंटे को एक डोज एक दिन में तुम दे सकते हो, अगर दिस इज एक्यूट है तो। हाँ बात लायक समझ बच्चे को रहे कैसे समझाते हैं, कितनी बार उसको ऐसे बॉटल को कराना है ये बताओ। मैम हो? अरे 10 डोज दे रहे हो तो 10 ही बार करो 10 टाइम्स अगर हम कर देंगे एक बार में, वो 10 बार तो। में दूसरी पोटेंसी बन जाएगा ना, 0/2 चले जाएगा, हाँ जी तो 10 ही डोज देने हैं तुम्हें 10 से ऊपर नहीं करना दिन। फिर दूसरी। अगर 10 स्ट्रोक देते हैं तो 10 ही करना है, अगर तुम्हें 20 करना है डोजेस तो फिर तुम्हें स्ट्रोक्स कम करने पड़ेंगे। कम करने पड़ेंगे। और आज अगर मैंने वो 10 10 टाइम दे दी दवाई, कल को फिर हाँ मुझे 0/1 ही देनी है दूसरे दिन, कि 0/2 दूंगी फिर अब? टू टू अच्छा, रोज ऐसे 0/1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे? वो तो आगे चलता चला जाएगा, तुम वापिस वो लेवल पे नहीं दे सकते हो, वो तो ओहो, उधर ही आटे साइकिल जैसी चलेगी, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन एक बात चलो कहो, ये पेशेंट के लिए कंफ्यूजिंग है। पेशेंट हम लोग तो थ्योरी समझ गए, लेकिन पेशेंट को कैसे समझाए? पेशेंट कंफ्यूज करेगा ना तो दवा खाना छोड़ देगा। बिल्कुल मैंने कहा सही जब है। मेरा तो एलएम पेशेंट दवा खाना छोड़ देगा। एलएम में वही होता है, हमारी कंफ्यूजन बनी हुई है। मुझे एलएम में वही होता है लगा कि आज पेशेंट अगर को। दे हाँ दिया 10 टाइम्स तो कल फिर 0/1 ही देनी है। नहीं, पर कल 0/2 पे आ जाना है, तीसरे दिन फिर 0/3 पे आ जाना है। रोज तो थोड़े वही। मरीज हमारे पास आएगा दवाई लेने यार। या हाँ वही यार, तो, हद पेशेंट होगी संजय तुम्हारी। सुनो पेशेंट सुनो, डेली तो नहीं इससे आएगा भी दवा ये भी लेने। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो स्टॉक बॉटल है ना, इसमें 0/2 ऑलरेडी बनी हुई है, तो अच्छा, जब वो हो गया तो वो 0/2 हो गया। इसमें से तुम सारा पानी निकाल दो, थोड़ा सा रखो, 2 चम्मच पानी ऐड कर दो, 0/2 हो जाती ये हुई बात, है ना। पागल कर दिया तुमने आज। नहीं, अरे बहुत सिंपल सी पेशेंट बात समझेगा है। नहीं, पेशेंट को कैसे समझाएंगे? तो ये प्रॉब्लम वही पेशेंट होती को है, समझाएंगे, पेशेंट आनम कंफ्यूज आलम खान जाएगा। का सवाल एकदम राइट है। एक्चुअली पेशेंट को हम लोग क्या होता है पता है क्या, पेशेंट तुम अगर पानी डालो लो, पानी डालो लो यार, पानी पिला दे रहा है मुझे, ऐसा बोलेगा पेशेंट। और हाँ क्या, तो ये पेशेंट को नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलते कि पेशेंट को बॉटल लेके आओ, मैं मेडिसिन बना देता हूँ, वो पानी तुम भरो और उसके अंदर 2-3 बूंद ये प्लेन अल्कोहल के डाल दो, सॉरी अल्कोहल की स्मेल भी आ जाएगी, उससे ज़्यादा वो अल्कोहल का रोल नहीं है, है ना। वैसे पानी तो हम भी पानी ही डाल रहे, लेकिन अगर तुम्हारे हम फैमिली में अगर कुछ करते हैं तो सीधा भी पानी डाले तो वो वर्क करती है। सर मैं जिन केसेस में एलएम पोटेंसी यूज करती हूँ, साथ में प्लेसिबो की बॉटल भी देती हूँ, कि दिन में 3 बार ये भी हाँ लेनी है। वो तो देना पड़ेगा ना। हाँ मेरी तो मैं क्या करता हूँ, मेरी डोज तो बहुत छोटी होती है, लेकिन SL ही ज्यादा रहता है। या हमारा भी ऐसे ही होता है, डोज तो एक हाँ ही होती है, साल के साल 6 6 महीने ऐसे ही चलता रहता है, SL ही जल्दी खत्म होता है हमारा, या हमारा भी। और वही प्रॉब्लम LM में रहती है कि पोटेंसी अगर चेंज होती है, तुम्हें सिर्फ उसमें पुरानी स्टॉक में से पानी निकालना है, दूसरा पानी ऐड करना है ना। लेकिन पेशेंट अगर खुद करेगा तो बोलता है ये पानी से क्या ठीक होना है। जैसे होम्योपैथ भी हम लोग भी क्या करते, इतनी छोटी गोली क्या करेगी, 10-20 डाल दो, तो उधर डालनी तो एक ही है लेकिन हम डालते हैं 10-20, तो पेशेंट तो पानी से उसको साइकोलॉजिकल तो नहीं बनेगी इफेक्ट, तो हो सकता है कि फिर वो उसे। ऐसा हाँ मरीज पैसे दे के जाएगा हमको? पैसे दे के जाएगा ना, बुलाओ पानी के पैसे वाला, पानी के पैसे वाला। चलो, अभी कुछ और आज का डिस्कस करना है कि आज इतना ही करना है? ठीक आज मेरा तो लगभग खत्म हो गया, अगर और कुछ सवाल है है, तो बोल नहीं सकते नहीं हो। अभी आज के लिए बस इतना ही। अब हम किसी और दिन, अगले दिन मिलेंगे तो कुछ और इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी होगी। हम आपके 2 4 6 लेक्चर अटेंड करेंगे तभी थोड़ी क्लैरिटी होगी, एक बार में कुछ नहीं होने वाला।
नहीं तो मैम आप तो एक आपका और जो चीज मेथड हमने है ना जो 100 ml वाला वो भी सही है, लेकिन सिर्फ इतना है कि बॉटल थोड़ी सी बड़ी करो और जो डोज देते हो उसमें से थोड़ा सा और डाइल्यूट करो, ठीक है है ना। मैम बाकी सब एक सही है, 10 डोज दे रहे हो विद मैम इन पोटेंसी, दैट इज सफिशियंट। ठीक है। हाँ जी प्रमिला मैंने और योगेश ने सोचा 15 डेज में एक दिन रखते हैं सिर्फ हाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिफिकल्टीज लेके, के ठीक लिए, 1 घंटे के लिए, और डेट है ठीक रखेंगे है फर्स्ट सही सही फर्स्ट रहेगा। हेलो हेलो जो भी दिन हुआ 1 तारीख और 15 तारीख। योगेश बात कर रहा है हेलो आपसे। हाँ जी 1 और 15 मैं क्या नाले कोई बात नहीं ठीक है। साथ में थोड़ा सिस्टमेटिकली हम सभी सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, रेपिटेशन भी, केसेस को कैसे हैंडल करेंगे, एक्यूट क्रॉनिक, राइट उससे नहीं डेवलप होएगा आइडिया। स्टेप बाय स्टेप सर को बोलने दो, यानी कि पहले मेडिसिन की जो बनाने की विधि और उसको कैसे डिस्पेंस करना है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, राइट एक प्रोसेस में जाओ, एक फ्लो में जाओ। नहीं हम तो इनके अकॉर्डिंगली जाएंगे, हम नहीं कुछ कह रहे कि ये करवाओ वो करवाओ, जैसे ये करवाएंगे वैसे ही हम करेंगे। नहीं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कशन मोल्ड कर देते ना। नहीं, पर हाँ वो जी क्वेश्चन तो हम, अब कोई छोटे बच्चे अरे तो है नहीं, हमें तो क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, हम बीच बीच में जो हमारे प्रोमिला दिमाग में आएगा हम वही पूछेंगे। मैम ये सवाल नहीं पूछना मैं चाहता था, मैम मेरा बस सवाल साइड पे स्पेसिफिकली रख है। लो, वो मेरा सवाल वहीं अटक जाता दिमाग। हाँ मेरा भी, नहीं वो नहीं तो हम वो तभी के तभी, हम अब आज तो सर जब बना रहे थे जानेंगे ना सर, नहीं नहीं सर जो नहीं। स्टॉक सॉल्यूशन का तब समझा रहे थे सर, उसके आगे कुछ बताने लगे थे, वो बीच में चला गया, तो अच्छा चलो कोई आने बात दो नहीं, पहले। अगली बार पता लग जाएगा। लेकिन हम सिर्फ 8 जने हैं, हम कंफर्टेबली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए हम पूछते हैं और हम पूछेंगे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, नहीं मना नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन हाँ से कंप्लीट होने दो पूरा एक बोल रहा। पॉलिशिंग होती है। हाँ पहले एक फ्लो कंप्लीट, जब कंप्लीट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी को यूज कर रहा हूँ, वो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जो वैसे निकल के नहीं आएंगी क्वेश्चन से, क्योंकि वो मेरे प्रोसेस में है, वो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, तो वो मेरे फ्लो के साथ आएंगी, वो एक फ्लो ओके पूरा चल जाए उसके बाद फिर निकल के आएगी। हाँ मुझे ये नहीं समझ आया, देन सर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो और बेटर एक्सप्लेन करेंगे उसको। नहीं सही होता क्या है जब तक अब सही हम, हेलो हेलो सुनो मेरी बात सुनो, अब हाँ हम जी हो रहे हैं बुढ़े थोड़े से, तो हमारे हाँ दिमाग में जो बात आई है वो तभी के तभी आती है, 2 मिनट बाद तो वो पता ही नहीं लगता कि क्या सोचा था, ओहो कौन सा क्वेश्चन था, वो तो भूल ही जाता है। और सही है क्या सही है सही है, फिर ठीक है मैडम। नहीं हम फिर क्वेश्चन सेशन हम पहले आपका करेंगे यंग अब। हाँ नहीं अब हम क्वेश्चन क्वेश्चन पहले ही के साथ पूछेंगे, आता नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन भी पहले ही तो। पूछेंगे योगी मेरी नहीं। बात सुन, हाँ योगी जी जी बात सुन, सुना था पूरा हाँ जी हाँ संजय जी का हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी सुना है मैंने, तो ही कह रहा हूँ बीच में जो आप मुझे ऐसे लोग लगा दोनों मैंने जने अपनी इंटरप्ट फीलिंग बताई करते है, रहे। बहुत कुछ ब्रेक हुआ। नहीं हाँ सच्ची सुना था, हाँ हाँ सुना, मैं तभी तो कह रहा हूँ पर बीच मुझे में तो ब्रेक बहुत आई अच्छा और समझ आया, हाँ नहीं पहली बार समझ एक आया। है कि नहीं हम पोटेंशियल बना रहे हैं ना, उस प्रोसेस में कितनी सारी चीजें हैं, एक है कि कितनी बार हम एक्यूट में कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसमें कैसे कैसे देंगे, कितनी बार देंगे, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, मैं मुझे ये लगा हाँ उसमें, वही मैंने इसीलिए ये सब वो बोला ही आपके चलो पास। हाँ ठीक है संजय जी आगे बाकी सर से, जी बेटर बता सकते सॉरी आगे से हैं। इंटरप्ट नहीं करेंगे, बाद में नहीं नहीं क्वेश्चन संजय लिख के रख लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाद में तुम्हें पूछ तुम्हें तुम्हारी लेंगे। जिंदगी में पहली वोट मिली। यार संजय की लाइफ की पहली वोट योगेश मल्होत्रा। संजय चलो कांग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। तुम लोग तो हो ना साथ साथ में। नहीं, हम तो अपोजिशन में हैं। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा था सर। चलो थैंक यू, एक्चुअली नहीं कुछ ये बहुत सिंपल सी मेथड है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके ये और के बड़ा लिए हवा बना रखा है। हवा बना, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। ऐसा कुछ यौन नहीं। यौन तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले तो ये जो क्रॉनिक डिसीजेस है ना ये मैं अगर समझाऊँ तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेट वे से समझाई नहीं लेकिन ये तुम तो बोल मेथड। रहे थे ये क्रॉनिक डिजीज ऑर्गेनन होती है, नहीं मैं कब तुमने उस दिन बोला, बोला था उसमें ऑर्गेनन है, अरे मैं तुम तुम कुछ भी मालूम बना रहे हो बोलोगे मुझे। देखो
ये कुछ भी मन से बोलती है मेरा मैंने बोला कि आलम को क्रॉनिक डिजीजेस चाहिए, तुमने कहा कि हाँ वो ऑर्गेनन का पार्ट होता है। यार वो तो ऑर्गेनन पढ़ा दोगे तुम मुझे। नहीं ये देखो ऑर्गेनन अलग है, क्रॉनिक डिजीज अलग है, ये दोनों अलग है। ऑर्गेनन तो एक ऑपरेशनल, टाइम टाइम पे ये सुनो ऑर्गेनन ये है जैसे हम कोई समझो एक टीवी ला लिया, कंप्यूटर ला लिया, तो उसके साथ यूजर मैनुअल आता है एक, देखा है? तो यूजर मैनुअल जो होता है ना वो ऑर्गेनन है कि उसको होम्योपैथी को यूज कैसा करना है, और है उसको ना? उठा के सब लोग फेंक देते हैं कि ये इसकी जरूरत नहीं है, और वो ही असली चीज होती है। मैं बड़ी बार, मैं बहुत बार ऑर्गेनॉन पढ़ती हूँ, बीच बीच में आई नहीं ना समझ, नहीं समझ नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, मेरे को भी समझ नहीं आती, लेकिन मुझे जो मुझे एक दो क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें टाइप करे तो मैंने ऑर्गेनॉन में ढूंढे, वो मुझे उनके आंसर्स मिले, और फिर मैंने अगली वीडियो में वो आंसर्स दिए। ऐसे मतलब कुछ कुछ चीजों के आंसर्स हैं, ऐसे लोगों ने इसको ऑर्गेनॉन को वो बना रखा है कि एक बात मैं भूल गया इसमें से, एक्चुअली ये फ्लो ऑफ इसमें एक क्राइटेरिया है जो एल एम पोटेंसी ये करने का देने मतलब का। देने का है ना, तो ये 246 एपोरिज्म में दिए वाला है ये एक्चुअली, लिख लिया सर, लिख लिया 246, 48, 47 ये तीनों एपोरिज्म में है। ये जो पांच पॉइंट है ना मैं एक शॉर्ट में बोल देता हूँ, पांच ही पांच पॉइंट है। एक पहला पॉइंट जो जिससे वो केस में जो था किस केस में हमें देना चाहिए, ये इसे ये लिखा है कि रेमेडी शुड बी परफेक्टली होम्योपैथिक, पार्शियली सिमिलिमम और रॉन्ग रेमेडी अगर है तो एलएम काम नहीं करेगी। ओ तीर तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा यहाँ पे, सिमिलिमम होना चाहिए। दूसरी बात इसने लिखा है कि ये पोटेंसी रेमेडी इज पोटेंटाइज एंड डिजोल्व इन वाटर, ये ड्राई दे नहीं सकते हो। तीसरा पॉइंट है रेमेडी शुड बी गिवन इन स्मॉल डोजेस, छोटे छोटे डोजेस में देने जितनी स्मॉल कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला है कि कप में डालो और उसके अंदर और थोड़ा सा डाइल्यूट करो स्टॉक में से, है ना। चौथा पॉइंट है रेमेडी शुड बी गिवन इन शॉर्ट इंटरवल, एक छोटे छोटे इंटरवल में देनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसकी जो डायनामाइजेशन है, आलम खान जी आपका माइक्रोफोन बंद करो। हाँ जी, जो लास्ट है इसकी जो डायनामाइजेशन है वो चेंज होनी चाहिए हर एक डोज की। मतलब पहला पॉइंट है एक्यूरेट रेमेडी होम्योपैथिक होनी चाहिए, दूसरा डिजोल्व इन वाटर होनी चाहिए, तीसरा छोटी छोटी डोज में देनी चाहिए, और चौथा स्मॉल इंटरवल्स के अंदर देनी चाहिए, छोटी छोटी इंटरवल्स, है ना। तुम 1 आवर का ले लो या फिर एक दिन का ले लो वो मैटर नहीं करेगा। और जो भी डोज अगली देनी है वो डिफरेंट डायनामाइजेशन पे देनी चाहिए, वो सेम डोज नहीं दे सकते हो तुम। वेरी गुड, यही ये इम्पोर्टेंट है, हम किसी भी एल एम पोटेंसी की यूज करते हैं किसी भी केस में। तो ठीक है सर, ओके मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, तो खत्म हो जाता है ये। ओके अगली क्लास